नमस्कार फ्रेंड्स। वैसे तो रोज़ में बहुत सारी वैरायटी आती है, इंग्लिश रोज़, कश्मीरी रोज़, स्प्रे रोज़, बादामी रोज़, पर फ्रेंड्स जब भी फ्लावर्स वाले रोज़ की बात आती है तो उसमें देसी रोज़ को हर कोई पसंद करता है। तो फ्रेंड्स आज हम देसी पिंक रोज़ के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आप ये जो देख रहे हैं देसी पिंक रोज़ है, इसके ऊपर पिंक रोज आता है, इसको अजमेरी रोज भी बोलते हैं, अजमेरी गुलाब भी बोलते हैं। फ्रेंड्स ये देसी गुलाब की वैरायटी है, देसी रोज की एक वैरायटी है। देसी रोज में तीन कलर्स आते हैं, जिसमें एक तो रेड होता है, दूसरा वाइट आता है और एक ये पिंक वाला वैरायटी है। तो फ्रेंड्स ये जो पिंक वैरायटी है ये सबसे अलग है। अगर ये जो तीनों वैरायटी है उसमें से अगर किसी जो फ्लावर्स है देसी रोज में जिसमें सबसे ज्यादा खुशबू आती है, तो फ्रेंड्स ये वाला जो रोज है इसमें सबसे ज्यादा खुशबू आती है, पिंक रोज। जो रेड और व्हाइट रोज है उसके कंपेरिजन में इसमें सबसे ज्यादा खुशबू आती है। और इसका जो कलर्स की अगर हम बात करें तो इसका जो कलर्स होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, और आप देख सकते हैं इसका फ्लावर्स है और जो दूसरे फ्लावर्स आते हैं उसके कंपैरिजन में इसका फूल का जो साइज होता है वो भी थोड़ा बड़ा होता है। और फ्रेंड्स इसके ऊपर जब भी फ्लावर्स आते हैं तब ये कुछ इस तरह से गुच्छे में आते हैं, क्लस्टर में आते हैं, आप देख सकते हैं ये भी गुच्छे में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये जो फ्लावर्स है वो क्लस्टर में आते हैं, गुच्छे में आते हैं, और इसकी वजह से जब भी आता है तो इसकी फूल की साइज हमें अगर हम बहुत दूर से देखे तो इसकी फूल की साइज जो होती है वो बड़ी हो ऐसा प्रतीत होता है। तो फ्रेंड्स ये एक साथ में तीन तीन चार चार पाँच पाँच ऐसे रोजेस आते हैं। फ्रेंड्स इसके पत्ते की अगर हम बात करें तो जो देसी रेड रोज है और जो व्हाइट रोज है उसके कंपैरिजन में इसके पत्ते भी थोड़े बड़े होते हैं, और जो कांटे आते हैं वो भी इसके ऊपर सबसे ज्यादा कांटे आते हैं, आप देख सकते हैं इसके ऊपर सबसे ज्यादा कांटे होते हैं। पर फ्रेंड्स इसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं, जब भी आते हैं इसमें साल में दो तीन से चार बार फ्लावर्स आ जाते हैं। उसमें भी अगर सीजन जो है वो आधा हो चुका है तब सबसे ज्यादा फ्लावर्स होता है, जैसे कि मानसून का सीजन आधा हो गया हो या फिर समर का सीजन आधा हो गया हो या फिर ठंडी का सीजन आधा हो गया हो तब इसके ऊपर सबसे ज्यादा फ्लावर्स आता है। और फ्रेंड्स इसको जितना कटिंग करते रहोगे उतना इसके ऊपर ज्यादा फ्लावर्स आते हैं। ये जो है इसको हम इसके प्रोपोगेशन की अगर हम बात करें तो इसको हम ये जो कटिंग है उससे हम इसको उगा सकते हैं। इसको इसका जो कटिंग है उसको हमें नवंबर महीने में हम इसको काट के फिर इसको उगा सकते हैं, किसी और मंथ में अगर आप उगाना इसे चाहोगे तो ये नहीं उगेगा। फ्रेंड्स ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि ये इसको आप आपको अगर प्रोपोगेट करना है तो नवंबर मंथ में इसका कटिंग डाल कट के फिर आपको डाल देने का। और फ्रेंड्स आप जब भी कटिंग डालो तब इसकी मेच्योर कटिंग ही लेने का, ये जो आप देख रहे जैसी कुछ मेच्योर कटिंग हुई हो वो ही डालने का। ये जो नई वाली जो डाली है वो नई लगती है फ्रेंड्स, मैंने लगा कि खुद देख लिया है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये इसकी मेच्योर कटिंग ही लेने की है हमें, तो ये जो कूपन वाली ऊपर वाली जो कटिंग होती है वो इसमें नई लगती है। फ्रेंड्स इसको हम जितना कटिंग करेंगे उतना ज़्यादा ब्रांचेस निकलता है, देख सकते हैं हमने एक ही डाल ही लगाया था और फ्रेंड्स इसको कटिंग कर करके हमने बहुत सारी डाली इसमें से निकल आई है। तो फ्रेंड्स इसको जितना काटोगे उतना ज़्यादा इसमें से नई नई डालियाँ निकलेगी और फ्लावर्स इसके ऊपर चालू ही रहेगा। फ्रेंड्स ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स है, आप देख सकते हैं ये पहली नज़र में ही हर किसी को पसंद आ जाने वाला पिंक रोज है। फ्रेंड्स इसको अगर हम खाद की बात करें तो एक बार कटिंग लगाते समय ही हमें इसमें वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और गार्डन वेल ड्रेन सॉइल, इसमें
ले लेने की है, उसी टाइम पे हमें इसको लगा देने का है। फ्रेंड्स इसको कोई कोई बेल गुलाब भी बोलता है, क्योंकि इसकी जो डालियाँ होती है वो जो देसी रोज, रेड रोज और व्हाइट रोज आता है, उसके कंपैरिजन में कुछ इस तरह से लता की तरह लटकती है। तो इसकी वजह से इसको कोई कोई तो इसको बेल रोज भी बोलते हैं, बेल वाला गुलाब भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए इसकी डाली हुई, और ये लता की तरह ही, बेल की तरह ही ये लटकती है, उसकी वजह से इसको बेल रोज भी बोलते हैं। फ्रेंड्स इसमें ज्यादा ध्यान रखने वाली कोई चीज है अगर, तो ये जो इसके पर जब भी फ्लावर्स खत्म हो जाए तो ये जो चीज है इसको यहाँ से रिमूव कर देने का है। अगर इसको आप रिमूव करते रहोगे और जब भी फ्लावर्स खत्म हो जाए उसके बाद हो सके तो उसको थोड़ा इस जगह पे से काट देने का, जितना काटोगे उतना नया कूपन निकलेगा और उतना ही ज्यादा फ्लावर्स आएगा। आप देख सकते हैं, ये मैं आपको डेमो दिखाता हूँ, इसको इधर से काटा हुआ है, आप देख सकते हैं जो इसका फ्लावर्स का जो बचा हुआ हिस्सा था जब खत्म होने के बाद, जिसको डीटा बोलते हैं, उसको हमने इधर से रिमूव कर दिया तो ये तुरंत इसकी नई डाली निकल आई। फ्रेंड्स सेम वही, इधर से हमने काट दिया था, दो नई डाली निकल आई है, अभी इसके ऊपर कूपन आ गया है और इसके ऊपर कली भी आ गया है, आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर भी। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर अभी आकर फूल खत्म हो गया, इसको इधर से हमने काट दिया है। तो फ्रेंड्स ये देसी रोज है, वो बहुत बढ़िया रोज है। फ्रेंड्स पिंक रोज के बारे में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।